उर्दू बाइबल के तहत आज हम पढ़ेंगे जबूर 135 से 144। शुरुआत करते हैं जबूर 135 से नगमाए हमद। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद के नाम की हमद करो, ऐ खुदावंद के बंदो उसकी हमद करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारागाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हमद करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की हमद सराई, उसके नाम की मद सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इज़राइल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और ज़मीन में, समुद्र और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलौठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ऐ मिस्र, उसी ने तुझ में फिर ओन और उसके सब खालिमा पर निशाना और अजायब जाहिर किया। उसने बहुत सी कौमों को मारा और ज़बरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। आमोरियों के बादशाह सिहोन को और बसन के बादशाह ओज को और कनान की सब ममलुकतों को और उसकी ज़मीन मीरास कर दी, यानी अपनी कौम इज़राइल की मीरास। ऐ खुदावन, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ऐ खुदावन पुस्त दर पुस्त कायम है, क्योंकि खुदावन अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उसके मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं और उसके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इज़राइल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सियोन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है, खुदावंद की हमद करो। अब हम पढ़ेंगे जबूर 136, शुक्रगुजारी का गीत। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, वे के उसकी शफ़क़त अवधि है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने बड़े बड़े नहर बनाए, उसी के शफ़क़त अवधि है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफ्ताब ने उसकी शफ़क़त अवधि दी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने मिस्र के पहलौठों को मारा, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। और इज़राइल को उसमें से निकाल लाया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने बहरे कुलजूम को दो हिस्से कर दिया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। और इज़राइल को उसमें से पार किया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजूम में डाल दिया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, कि उसकी शफ़क़त अवधि है। अमोरियों के बादशाह सिहोन को
कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और बसन के बादशाह ओज को कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और उनकी ज़मीन मीरास कर दी कि उसकी शफ़क़त अबदी है, यानी अपने बंदे इज़राइल की मीरास कि उसकी शफ़क़त अबदी है, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है, जो सब बसमर को रोजी देता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और अगला जबूर पढ़ते हैं, जबूर 137। असीरी में इज़राइल का नोहा। हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सियोन को याद करके रोए, वहाँ बेद के दरख्तों पर उसके वस्त्र में हमने अपने सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहाँ हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया, और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा सियोन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ, हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं। ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद न रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तवज्जो न दूं, तो मेरी जबान मेरे तालू से चिपक जाए। ए खुदावन, यरूशलेम के दिन को बनी अदोम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ए बाबुल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझ पर सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे।